वीर सिंह जी, 3 मिनट का समय है। 2 मिनट और ज्यादा। 3 मिनट का समय है, 3 मिनट में पूरा कर लेंगे, आप मुझे भरोसा है। महोदय, बेरोजगारी आज हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। आज बेरोजगार हमारे देश में बढ़ते चले जा रहे हैं। धीरे धीरे ये समस्या बड़ा रूप धारण करती चली जा रही है हमारे देश में। जो 2011-12 में बेरोजगारी की वृद्धि दर 3.8% थी, आज 2016-17 में बेरोजगारी वृद्धि दर 5.5% हो गई है। ये सोचने का विषय है। महोदय, लंबे अरसे तक कांग्रेस की सरकार रही हमारे देश में, वो भी नारा लगाती रही कि हम गरीबों की गरीबी दूर करेंगे। गरीबों की गरीबी तो दूर नहीं हुई, इस देश का पूंजीपति उद्योगपति मालोमाल होता चला गया और गरीब होता चला गया। महोदय, आज बड़ा सोचने का विषय है। हमारे देश के जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं वो बेची जा रही हैं, सरकारी बड़े बड़े विभागों को प्राइवेट सेक्टर को दिया जा रहा है। आज इससे अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने भारतीय संविधान के तहत जो आरक्षण दिया था, आज धीरे धीरे करके उस आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, क्योंकि आज केंद्र की सरकार पब्लिक सेक्टर कंपनियों को बेच रही है, उद्योगपतियों को, सभी को सरकारी विभागों को प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। तो जो सरकारी नौकरियों में SC ST OBC के लोग थे, जब वो रिटायर होंगे तो आने वाली पीढ़ी की फिर नौकरी नहीं लगेगी, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के लोगों को। जानबूझ करके उनका आरक्षण खत्म किया जा रहा है। हमारी नेता बहन मायावती जी ने मांग की थी कि हम प्राइवेट सेक्टर के विरोध में नहीं है, प्राइवेट सेक्टर में दो आप, किंतु जैसे पहले से आरक्षण चला रहा है उन विभागों में, प्राइवेट सेक्टर में जाने के बाद भी उसमें आरक्षण होना चाहिए। तो आज जो धीरे धीरे करके आरक्षण खत्म किया जा रहा है, शिलोपायजन की तरह उसको रोका जाना चाहिए, उस ओर ध्यान देना चाहिए। आज और बेरोजगार किया जा रहा है। महोदय, 2014 के लोकसभा के आम चुनाव में प्रधानमंत्री जी ने वायदा किया था कि देश में जितने भी शिक्षित बेरोजगार पढ़े लिखे युवा हैं, मेरी सरकार बनवा दो, हमारी सरकार बनवा दो, जब सरकार में आ जाएंगे तो हम 1 साल में 2 करोड़ नौकरी देंगे, 5 साल में 10 करोड़ नौकरी देंगे, सभी बेरोजगार जितने भी शिक्षित है सबकी नौकरी लग जाएगी, सभी बेरोजगार जितने भी शिक्षित थे उन्होंने आंख मीच कर सपोर्ट किया। आज 3 साल होने जा रहे हैं सरकार को बने हुए, 3.5 साल, अब तक 7 करोड़ नौकरियां लग जानी चाहिए थी, किंतु वो वायदा पूरा नहीं हुआ है। आज पूरे देश का शिक्षित बेरोजगार अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, इससे और बेरोजगारी बढ़ी है। आज बड़े दुख का विषय है कि पूरे देश में किसी भी प्रदेश में SC ST OBC का बैकलॉग पूरा नहीं है। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं बहन कुमारी मायावती जी को, जब उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी की सरकार थी बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में, तो उन्होंने सभी विभागों में बैकलॉग की सूची तैयार की, कितना बैकलॉग है और उसको भरने का पूरा काम किया। आज मैं दावे से कह रहा हूं, यदि बैकलॉग पूरे देश में यदि कहीं पूरा है सरकारी नौकरियों में SC ST OBC का, तो उत्तर प्रदेश में पूरा हुआ है बहन मायावती के माध्यम से। यह पहल सभी प्रदेश की सरकारों को करनी चाहिए। और आज भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा प्रदेशों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, यदि आप SC ST OBC के हितैषी हैं तो सबसे पहले सरकारी नौकरियों में बैकलॉग को पूरा करो और बेरोजगारी को दूर करो। ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। आज पूरे देश के महानगर पालिकाओं को, नगर पंचायतों को, नगर पालिकाओं को जो विकास के लिए धन जाता है सरकार से, वो उसमें धीरे धीरे करके ठेकेदारों को दिया जा रहा है, ठेकेदारी व्यवस्था की जा रही है, पॉलिसी चेंज की जा रही है और नौकरियों का अवसर खत्म किया जा रहा है। वो सिर्फ उद्योगपतियों को, बड़े बड़े ठेकेदारों को वो दिया जा रहा है,
उससे बेरोजगार और ज्यादा बढ़ा है। ये सोचने का विषय है कि एक तरफ तो हम स्वच्छ भारत की बात करते हैं और एक तरफ जो नगर पालिकाओं में महानगर पालिकाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के सरकारी कर्मचारी हैं तो उनको उनको उनका नहीं दिया जा रहा है, ठेकेदारों को रोजगार सौंपा जा रहा है और एक ठेकेदार जो पूंजीपति होता है उद्योगपति होता है उसी को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे ये सिद्ध होता है कि ये सरकार गरीबों के लिए हित का काम नहीं करती, छोटे व्यापारी का हित का काम नहीं करती, ये किसानों के हित का काम नहीं करती, ये सिर्फ उद्योगपति पूंजीपतियों के हित का काम करती है। पूरा करिए, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। मैं कृषि कृषि का बस टाइम ओवर नो टाइम ओवर प्लीज स्टॉप नो नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड मिस्टर नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड श्री प्रताप पटेल प्रफुल्ल पटेल नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड श्री प्रफुल्ल पटेल